हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेसन फर्स्ट जेनेटिक्स क्रॉस। इन द प्रीवियस वीडियो वी आर लर्न मेंडल लॉ। ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्ट आवर क्रॉस रिलेटेड स्टडी करेंगे रिलेटेड टू क्रॉस। क्रॉस के टाइप कौन कौन से होते हैं और ये स्टूडेंट्स एग्जाम से रिलेटेड भी इम्पोर्टेंट है, सो इसको अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। सो फर्स्ट हमारा है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस स्टूडेंट्स क्या होता है, जो F1 जनरेशन होती है उसको हम लोग क्रॉस करवाते हैं पेरेंट करेक्टर से। पेरेंट से करेक्टर से हम लोग क्या करवाएंगे, उसको क्रॉस करवाएंगे, चाहे वो फर्स्ट जो करवाएंगे डोमिनेंट जो होते हैं होमोजेगस उससे करवाएंगे, और सेकंड जो करवाएंगे हम लोग रिसेसिव से। क्लियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे वो हमारा आउट क्रॉस होगा, और जो हमारा रेसिसिव से पेरेंट से जो हम क्रॉस करवाएंगे उसको टेस्ट क्रॉस कहेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वी आर स्टार्ट बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है स्टूडेंट्स, इफ F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ एनी वन पेरेंट, मीन्स हमारे पास पेरेंट्स के पास दो करेक्टर होते हैं, उन दोनों ही करेक्टर को क्या करना है, हमें क्रॉस करवाना है। क्लियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल TT जो कैपिटल है यहां पे, ये हमारा इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, इनके बीच में जो क्रॉस होगा वो हमारा क्या होगा, बैक क्रॉस होगा। हमारे यहां पे ये कौन सा होगा, डोमिनेंट होगा, ये हमारा कौन सा है, रिसेसिव है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे वो हमारा जो क्रॉस अब करवाने के बाद में जो हमारा फर्स्ट जनरेशन आएगी वो क्या आएगी स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट जनरेशन है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे हम लोग बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मीन्स ये स्टूडेंट्स, इसको F1 जो जनरेशन है हमारी उसको क्रॉस करवाना है किसके साथ, डोमिनेंट या रिसेसिव के साथ, उसको बोलेंगे बैक क्रॉस। क्लियर, बैक क्रॉस में देखो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास इसको हम बाय द जो हमारा चक्रबोर्ड है उससे भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये दोनों ही क्या है, सिमिलर है ना, इसका जो एलील बनेगा वो क्या बनेगा, एक सिंगल एलील बनेगा। इसमें कितने गैमेट्स हैं, 2, तो T एंड t। क्लियर, अब इसको क्या करेंगे हम लोग बाय द चक्रबोर्ड हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। 1, 2, 3 हमारे पास क्या है, यहां पर एलील है, तो इसको क्या करें, हमारे पास जो बोर्ड बने वो कितने बनेगा, 2 बनेगा। यहां पे मैंने ले लिया स्टूडेंट्स T, ठीक है, इसको इससे क्रॉस करवाया, दोनों कैपिटल है, T को T से क्रॉस करवाएंगे, तो T एंड T। अब स्टूडेंट्स यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालेंगे इनका, तो हमारा फिनोटाइप क्या हो जाएगा, फिनोटाइप स्टूडेंट्स कौन सा होता है, जो हम लोग एक्सटर्नल देखते हैं वो हमारा फिनोटाइप होता है। जैसे ये भी कैपिटल है, ये भी कैपिटल है, इसके साथ T ड्रॉप है, बट जो डोमिनेंट करेक्टर वो अपने करेक्टर क्या करता है, शो करता है, इसलिए ये भी क्या है, कैपिटल है, तो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, तो हमारा फिनोटाइप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल टॉल। स्टूडेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा क्रॉस है जिसके अंदर जो फिनोटाइप है वो ऑल टॉल में हमें मिलता है, तो हमें कौन सा करना है, बैक क्रॉस करना है। इसका फिनोटाइप कौन सा आ गया, ऑल टॉल हो गया, जस्ट बिकॉज हमारा फर्स्ट जो ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1, ये भी टॉल है और ये क्या है, इम्प्योर टॉल है, तो 1:1। क्लियर स्टूडेंट्स, हमारा बैक क्रॉस यहां पे क्लियर होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बैक क्रॉस में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे इसका नेम है ना बैक मींस वापस, इसमें वही सेम चीज है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन इसको हम लोगों को क्रॉस करवाना है, क्रॉस करवाना जो पेरेंट कैरेक्टर है,
ये डोमिनेंट करेक्टर कौन से होते हैं जो अपने करेक्टर शो करते हैं F1 जनरेशन में, वो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं स्टूडेंट्स। जो करेक्टर शो नहीं कर पाते अपने करेक्टर, वो कौन से होते हैं? रेसेसिव होते हैं। क्लियर? इसको हम लोग बैक क्रॉस बोलेंगे। और ये हमारा बाय द चक्रबोर्ड, हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आउटक्रॉस होगा। आउटक्रॉस में क्या होगा स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने बैकक्रॉस में किया था वो ही हमें इसमें करना है, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है। डिफरेंट क्या स्टूडेंट, इसमें हमें क्या करना है, क्रॉस बिटवीन F1 एंड डोमिनेंट पेरेंट्स। इसमें हमें जो डोमिनेंट पेरेंट्स है उससे ही हमें क्या करना है, क्रॉस करवाना है। ठीक है, तो हमारा आउटक्रॉस में क्या होगा, जो डोमिनेंट करेक्टर है उसी से हमें क्रॉस करवाना है। इसमें हम लोग ले लेते हैं क्लियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने दो पेरेंट्स करेक्टर लिए हैं। पेरेंट्स करेक्टर को मैं किससे करवाऊंगा, F1 जो जनरेशन होगी उससे किसको करवाना है, डोमिनेंट से करवाना है। क्रॉस F1 जनरेशन हमारी क्या आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस करवाएंगे डोमिनेंट से। तो डोमिनेंट करेक्टर कौन से होते हैं, जो अपने करेक्टर शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ इसके हम लोग एलील बना लेते हैं। एलील देखो स्टूडेंट्स, इसमें कितने एलील बनेंगे, टू, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, और इसमें वन, क्योंकि दोनों ही क्या है, सिमिलर है। अब इन दोनों के बीच में जो क्रॉस करवाएंगे स्टूडेंट्स, वो बाय द चक्रबोर्ड भी हम लोग इसको करवा सकते हैं। ठीक है, फिर इसका हमें क्या निकालना है, जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालना है, ये आपको करना है। क्लियर, फर्स्ट मैंने जो बैक क्रॉस बताया था सेम टू सेम वैसे ही होगा। नेक्स्ट हमारा आता है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने जो डोमिनेंट पेरेंट से क्या करवाया था, क्रॉस करवाया था। इसमें हमें क्या किससे करवाना है, रिसेसिव से। रिसेसिव कौन से होते हैं, जो अपने करेक्टर शो नहीं कर पाते हैं। F1 जनरेशन को किससे करवाना हमें क्रॉस, इन दोनों के बीच में हमें क्या करवाना है, क्रॉस करवाना है। तो देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में हम लोग क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। इसके कितने एलील बनेंगे, वन, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जस्ट बिकॉज दो करेक्टर है हमारे पास यहां पे, और इसके कितने बनेंगे, ओनली वन। क्लियर, अब इनको ये कितने, टू और वन, तो कितने हमारे पास चक्रबोर्ड से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। क्लियर, जीनोटाइप और फिनोटाइप में स्टूडेंट्स क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको इससे हम लोग क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। तो फर्स्ट कौन सा आता है, डोमिनेंट करेक्टर आता है। ठीक है, नेक्स्ट स्मॉल टी को स्मॉल टी के साथ, अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये भी हमारा टोल है, ये क्या है, ड्रॉफ है। तो 1:1 जीनोटाइप में क्या हो जाएगा, ये क्या है, टोल है, ये क्या है, ड्रॉफ है। तो इसका जीनोटाइप भी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, 1:1। ये हमारा टेस्ट क्रॉस कंप्लीट हो गया। मैं इसको फिर से रिपीट करता हूँ, जो हमारा बैक क्रॉस होता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग उसमें क्या करते हैं, बैक क्रॉस में जो F1 जनरेशन होती है उसको डोमिनेंट करेक्टर या हम रिसेसिव करेक्टर से क्या करते हैं, क्रॉस करवाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो फर्स्ट टाइप आता है आउटक्रॉस, आउटक्रॉस में क्या कराएंगे हम लोग, F1 जनरेशन को
डोमिनेंट पेरेंट होते हैं उनसे हम लोग क्रॉस करवाएंगे, देन उसके बाद उनके जो एलील बनाएंगे, फिर उसको बाय द चक्र बोर्ड उससे हम लोग जीनोटाइप फिनोटाइप निकालेंगे। नेक्स्ट टेस्ट क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, F1 जनरेशन को यहाँ पे डोमिनेंट से करवाया था, यहाँ पर रिसेसिव से करवाएंगे, इन दोनों को क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। सो ये हमारी फर्स्ट जनरेशन थी, इसको दो एलील बनाए हम लोगों ने और ये हमारा सिंगल एल बना यहाँ पे। तो इसको हम लोगों ने क्या, बाय द चक्रवर्ड इसका हम लोगों ने फिनोटाइप निकाल लिया और जीनोटाइप लगा निकाल लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल लॉ के जो मेन पॉइंट थे वो कौन कौन से थे वो स्टडी करेंगे। हाँ, नेक्स्ट वो टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ। जो मेंडल्स ने जो लॉ दिए थी उसके अंदर कौन कौन से हमारे जो मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आर डोमिनेंट एंड लेथल जीन्स, लेथल यहाँ पर रिसेसिव जो जीन्स उनको बोला है, लेथल जीन्स आर रिसेसिव मीन्स स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कोई प्लांट ले लेते हैं, जैसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो डोमिनेंट होना चाहिए उसका। ठीक है, जैसे टॉल ये क्या हमारा डोमिनेंट है और ये हमारा रेसिसिव है, ये हमारा डोमिनेंट है। तो इम्पोर्टेंट हमारा करेक्टर ये ड्रॉफ है, इसका ये ड्रॉफ को हम लोग करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में नहीं देखना चाहते। तो स्टूडेंट्स हमें क्या, इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें करेक्टर लेना है वो डोमिनेंट ही करेक्टर लेना है। तो इसको नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन बनेगी उसके अंदर हमारा जो ये ड्रॉफ जो करेक्टर है रेसिसिव का वो हाइड हो गया और हमारा जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वो डोमिनेंट हमें F1 जनरेशन में शो हो गया। इसलिए हमें जो हमारा फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्या वो है कहा है कि जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है उसको हमें डोमिनेंट लेना है। क्लियर। नेक्स्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन एक्सप्लेन बाय द मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रेशन। इसमें लॉ ऑफ सेग्रेशन में स्टूडेंट्स क्या बताया कि इसके अंदर हमारे वन जीन जो होते हैं उसके एक जीन होता है उसके टू एलील बन सकते हैं। क्लियर, लॉ ऑफ सेग्रेशन में हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम लोग ऐसे ले सकते हैं, ये हमारी F1 जनरेशन थी, अब इसके हमारे पास दो एलील बन गए कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो ये हमारा वन करेक्टर था जो टॉल था, इसके इससे फिर जब हम लोगों ने क्रॉस करवाया तो इसके कितने एलील बन गए, टू एलील बन गए। क्लियर, तो ये लॉ ऑफ सेग्रेशन से हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू ट्रेट इन द हाइब्रिड कैन बी बेटर अंडरस्टैंड मेंडल्स लॉ। मींस स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है कि जो न्यू ट्रेट बनता है, न्यू जनरेशन बनती है, उसमें क्या है एक न्यू करेक्टर हमें मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना स्टूडेंट्स, वन करेक्टर हमारा आता है फादर से और वन करेक्टर जो आएगा वो आएगा मदर से। तो जो हमारा न्यू करेक्टर है वो भी हमें जो क्रॉस होगा उसमें हमें न्यू करेक्टर भी मिलेगा। फॉर द डिजीज रेजिस्टेंट एंड इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ प्लांट कैन बी डेवलप। मीन्स स्टूडेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई डिजीज है किसी पेरेंट्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या है उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमें जो न्यू जनरेशन है हमें फॉर्म करनी है, हमें ड्रॉफ करेक्टर नहीं चाहिए, ठीक है, तो इनके बीच में हम लोग जो क्रॉस करवाएंगे तो हमारा जो ड्रॉफ करेक्टर है वो F1 जनरेशन हमें बिल्कुल से शो नहीं होगा। सो ये भी जो डिजीज़ वाले होते हैं या इम्प्रूव वेराइटीज़ होती हैं, पूरा कम्प्लीट इम्प्रूव नहीं होते, जैसे ये ड्रॉफ है ये इम्प्रूव नहीं है और ये हमारा जो कैपिटल टी जो टोल है ये कम्प्लीट इम्प्रूव है। तो हमें जो नेक्स्ट जनरेशन हमें प्रोड्यूस करेंगे उसके अंदर हमें जो इम्प्रूव जो वेराइटीज़ है उसको शो नहीं करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस करवा के उससे हम लोग एक इम्प्रूव जो जनरेशन है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए ब्रांच ऑफ साइंस यूगेनिक रिलेटेड विद द इम्पोर्टेंट ऑफ ह्यूमंस एंड इट्स बेस्ड ऑन द मेंडल्स लॉ। एक यूगेनिक नाम से रिलेटेड क्या है, एक ब्रांच है जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स,
जो ह्यूमंस के जो करैक्टर है उससे रिलेटेड क्या होता है, रिसर्च होता है, और ये किसके ऊपर है, मेंडल की जो लॉ है उसी से, उसके ही बेस पर ये बनी हुई है। क्लियर स्टूडेंट्स? सो हमारा यहाँ पे जो चैप्टर थर्ड था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और इसमें आज का होमवर्क आपका हो जाएगा, जो क्रॉस होगा, बैक क्रॉस के टाइप्स हो जाएंगे, आउट क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस, उसको बाय द एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।